नमस्कार दोस्तों, मैं मंतोष अपने इस YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए आज हम लोग देखेंगे कि कोटिंग किस तरह से किया जाता है। हालांकि इसका वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूं, मगर चलिए एक बार हम फिर इसको आप लोगों को रिपीट कर दे रहे हैं कि जो कोटिंग है सोना कोट का उसे किस तरह से। तो देखिए इसमें हमारा सनसलाइजर घोल कर रखा गया है और यहाँ पे एक फ्रेम के लायक इस ग्लास में हमने सोना कोट उसमें डाल दिया है। अब देखिए इसमें चार पाँच या छह बूंद के आसपास इसे हम कर लेते हैं और इसको हम सही ढंग से जो है उसको मिक्स कर देंगे। देखिए ये जो मिक्सिंग है इसे हम पूरे सही ढंग से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको स्क्रीन पे डालेंगे। तो देखिए किस तरह से हम इसे कर रहे हैं। देखिए ये हमारा स्क्रीन हो गया और फिर हम इस पे ये जो कोटिंग है इसे हम गिरा देते हैं। देखिए देखिए जैसा कि ये सोना कोट हमने इस पे गिरा चुके हैं। और फिर चलिए ये ऐसा एक स्केल आप लोग रख लीजिएगा, ये स्केल है और बहुत से लोग मान लीजिए कि स्टेपर से ही लगा देते हैं, मगर स्केल इसमें सही रहता है। और देखिए इसे हम किस तरह से लगा रहे हैं, ये बिल्कुल पतला होना चाहिए ना कि मोटा। अगर हो तो इसमें हम गिलास में फिर से इसे वापस रख लेंगे ताकि ये मोटा ना हो और किसी तरह की इस पे लाइनिंग ना आए। हमें इस पे चारों तरफ से सही ढंग से मिक्स कर देना है, दोनों साइड से हम इसे लगा लेंगे। देखिए जैसा कि दोनों साइड से हम इस पे सही ढंग से लगा चुके हैं। इसमें कहीं कहीं पतला और मोटा भी हो गया है तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अगर ज्यादा पतला आप लोगों को लगेगा तो फिर से एक बार आप लोग सोना को इसमें थोड़ा लगा लेंगे और फिर इसको आप लोग चढ़ा देंगे इस तरह से सही ढंग से मिक्स करते हुए। कई हमारे दोस्तों ने पूछा है कि इसपे जो मेटर है वो सही ढंग से खुल नहीं पा रहा है, तो दिखाते हैं। अब देखिए जैसा कि हमारा कोटिंग हो चुका है, अब हम इसे अंधेरे में सूखने के लिए रख देंगे, अंधेरे में ना कि उजाले में। और ये जो काम भी है जो आपको कोटिंग भी करना है वो बिल्कुल अंधेरे में ही करना है। वैसे लाइट में मैं कर रहा हूँ फिलहाल आप लोगों को दिखाने के लिए, मगर इसे अंधेरे में किया जाता है तो ये बिल्कुल सही रहता है। तो चलिए हम इसको अंधेरे में अब सूखने के लिए रख देते हैं। चलिए दोस्तों देखिए जैसा कि ये हमारा जो स्क्रीन है ये कोटिंग करने के बाद पूरी तरह से छाया में अंधेरे में सूख चुका है। यहाँ पे आप कहीं भी इसमें हाथ मारेंगे कोई चिपक। चलिए दोस्तों अब ये हमारा जो स्क्रीन है वो खुलने के लिए पूरी तरह से सूख कर तैयार है और इसी तरह से हम उसे अब हम इसे धूप में ले जाकर हमारा जो भी मैटर होगा उसे हम खोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि किस तरह से स्क्रीन पे कोटिंग किया जाता है और किस तरह से उसे सुखाया जाता है अंधेरे में सही तरीके से सूख जाने के बाद हम उसे फिर स्क्रीन खोलते हैं धूप में ले जाकर। तो चलिए अब हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो भी वीडियो हम यहाँ से अपलोड करेंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए नमस्कार।